आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। गुस्से का क्या अंत है भाई? गुस्से में कोई कितना बुरा कर सकता है? कितने दिन तक गुस्सा रहेगा? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, हफ्तों, महीनों, सालों? ये तो बात गुस्से की नहीं होती। रिश्ते में अगर कोई बहुत गुस्सा हो गया हो, कोई दूर जाने की बात कर रहा हो, या अब तो वो हमें पहचानता ही नहीं, कुछ ऐसी बात अगर बन रही हो तो क्या करें? बरसात का थोड़ा सा पानी रखिए ना अपने घर में इस जगह, बस गुस्सा समाप्त होगा, प्यार फिर से वापस आएगा, मजबूर होकर के रिश्ता फिर से पहले से ज्यादा अच्छा बनेगा। अंबर से प्रेम बरसता है धरती के लिए, कुछ तो कारण होगा। क्यों जल ऊपर से नीचे आता है? क्या नीचे पानी की कुछ कमी है क्या जो ऊपर से आता है? कोई तो इसका कारण होगा। कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जानिए कारण, निवारण और अपने प्यार को वापस लाने का साधन। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल है। हम पिछले 20 सालों में अब 21 लाख कंप्लीट कर रहे हैं। हमने अभी तक 21 लाख धन्यवाद कंप्लीट किए हैं। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब जारी है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का छोटा रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है। ऐसा उपाय जो आप सहजता से कर सके, पर वेदांत का होना चाहिए, पर किसी उपनिषद का होना चाहिए। कुछ ऐसी गंभीर बात हो जो त्वरित लाभान्वित करने वाली हो, कुछ दो चार पांच लोगों का इत्तिफाकन काम हो जाए ऐसा नहीं चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में काम हो रहा हो ऐसा सिर्फ एक जगह है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। सीधे शब्दों में कहूं क्या, जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। जिन संबंधों को आप ठीक नहीं रख पा रहे हैं, जिस रिलेशन को मेंटेन करना आप असंभव होता चल रहा है, जिन रिश्तों को अब कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ गया है, उन्हें भी ठीक करने की क्षमता लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। यहां सब संभव है। क्यों संभव है? ऐसा क्या है यहां पे? ऐसा कौन ही चमत्कारी पुरुष है इधर? इधर नहीं, उधर। तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा यकीन है, तुम्हारा प्यार है। तुम ही तो सब बनाते हो, तुम ही तो राजा, रंक, फकीर, नेता, अभिनेता, गुरु, महात्मा, संत, कौन बना रहा है? तुम बना रहे हो। तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा पावर है। मैं तो सिर्फ तुम्हें जगा रहा हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हें आवाज लगा रहा हूं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊ गली गली। मैं तो सिर्फ तुम्हें जगाने की बात कर रहा हूं, मैं तो भगवान शिव की कृपा से तुम्हें आवाज लगा रहा हूं। और उस मालिक का की मेहर है, उस मालिक का कनेक्शन देखिए, उस ईश्वर का रहम देखिए कि वो बात सुन रहा है बड़ी संख्या में आपके बगल में। ओपन प्लेटफॉर्म पर मैं रोज कहता हूं और आप देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे इस बात को यकीन करते हैं कि हमारे हक सबके काम हो रहे हैं। आपको इस ओपन प्लेटफॉर्म पे कभी कोई नहीं मिलेगा कि मेरा काम नहीं हो रहा। कोई नहीं मिलेगा मतलब जिस परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, 2-4-5% तो साहब वो लोग भी तो हैं जिनको मैं रोज आपके चक्कर में अंटसंट कहता हूं। हां मैं कहता हूं मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों से सावधान, ये सब कपोल कल्पित बातें कर रहे हैं, सावधान हो जाइए, इन्हें प्यार का पाप ही नहीं पता,
ये शिक्षित नहीं है, ये साक्षर नहीं है, ये संभ्रांत नहीं है, ये साधना संपन्न नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं है, ये तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं पटी बिमाई। और जानता है जब तुम पर पड़ती है तब तुम्हें पता चलता है। चकी ददाती प्रतिग्रहणाती नान्य थी सा प्रसीदती। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, देने पर लेना आता है, लेने पर देना आता है। ये व्यवस्था, ये व्यवहार, ये प्रणाली, ये सिस्टम, ये की नीतिगत है, ये सबके बस की बात नहीं। प्रेम में तो सराबोर होना सीखना चाहिए। प्रेम तो साधना है साहब, तपस्या है, इबादत है, छोटी मोटी बात नहीं। अरे हाँ, भूल मत जाना, आज हम कह रहे हैं कि बरसात का थोड़ा सा पानी घर में रखने से तुम्हारे घर प्यार वापस आ सकता है। आज हम कह रहे हैं कि बरसात का थोड़ा सा पानी तुम्हारे रिश्तों को संपन्न कर सकता है। आज हम कह रहे हैं तुम्हारा घर बच सकता है। रोना बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, उल्टा सीधा सोचना, जहर खाना, मृत्यु तक को गले लगाने की इच्छा रखना, ये सब बंद कर दीजिए। इससे कुछ ठीक नहीं होगा। बरसात का थोड़ा सा पानी रखो ना अपने घर में, इससे बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। दलिद्रता नष्ट होती है, प्रेम आता है, संपत्ति आती है, धन आती है, रोग जाता है, दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। जानो ना पूरा का पूरा बात, पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने साझा कर रहा हूँ। छोटा सा उपाय, लाभ बहुत सारा। आज मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गागर में सागर समाने की कोशिश कर रहा हूँ। संतों की आशीर्वाद से, गुरुओं की तपस्या से कुछ सीखा है, कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हाँ, ध्यान रखना कि मैं डांटता हूँ। हाँ, ध्यान रखना कि मैं चिल्लाऊंगा तुम पर। हाँ, ध्यान रखना कि मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूंगा। हाँ, ध्यान रखना हो सकता है मैं तुम्हारे कार्मिक अकाउंट पर बात करूंगा। हाँ, डेफिनेटली ये हो सकता है कि मैं तुम पर थोड़ा सा नाराज हो जाऊं। पर ये सब क्यों? सुधारना है ना तुम्हें, हाँ, ठीक करना है ना तुम्हें, इसलिए ऐसा करूंगा। चिकी गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ी गढ़ महारत वोट, अंदर हाथ सवारी दे, बाहर मारत चोट। ऐसा कहते हैं, ये सत्य मानो। जब किसी भी बात का एहसास होता है, जब किसी भी रिश्ते में कोई बहुत खास होता है, सत्य मानना, जब तुम्हारे दिल के बहुत सन्निकटस्थ होता है कोई, सच मानना, जब रिश्तों में सर्वोच्च होता है कोई, यकीन मानिए, जब साधना, इबादत, पूजा भगवान से बढ़कर हो जाए कोई, यकीन मानिए, जब पूरा का पूरा प्रेम सत्य पर आधारित हो, जब जब कतार पर चलने की नौबत आ जाए, ऐसी कंडीशन को सच्चा प्रेम कहते हैं। तुम उसी में हो। इस बात का सबसे बड़ा पर्याय क्या कि तुम इस एपिसोड को देख रहे हो, तुम इसे ग्रहण कर रहे हो, तुम सुन रहे हो। ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये निर्झर झरना है जिसके सरोवर में तुम स्नान कर रहे हो। हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा सीधा उपाय क्यों नहीं बताता, तो बच्चा ये पाठशाला है, ये मेडिकल स्टोर नहीं है, ये पूरा का पूरा दवाखाना है। या सिर्फ तुम्हें बुखार की दवाई दी नहीं जाती, तुम्हें बुखार आए ही ना उस पर काम किया जाता है। क्या किया जाता है? तुम्हारे कारण पर, तुम्हारे वारण पर, तुम्हारे निवारण पर काम किया जाता है। और ये सब कुछ पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और पूरी ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। इसका प्रमाण है तुम्हारा इतना बड़ा सपोर्ट। हम कुछ दिनों में YouTube पर भी क्लोज टू 8 लाख होने वाले हैं। हम बहुत जल्दी सेलिब्रेट करेंगे 1 मिलियन का। और आपको बताया है, उस दिन मैं 1000 लोगों को एक साथ, एक ही दिन में, एक ही समय पर ठीक करूंगा। मैंने कुछ तपस्या उसके लिए बचा के रखी है। उस दिन सब लोग ध्यान से रखो, बस 1 मिलियन होने दो। जिस दिन होगा 1000 धन्यवाद आपके सामने लेकर के आऊंगा। अभी के अभी काम हो रहा है ऐसा दिखेगा, वो सब आपके सामने होगा, वो सब कुछ आपके सन्मुख होगा। और ये पूरा का पूरा
अरेंजमेंट आप अपने सामने देख पाएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा सरोवर का जल, और कौन सा सरोवर? वो अंबर का सरोवर जो ऊपर से बरस रहा है, हाँ, उसका जल आपको प्रेम में सराबोर करने के लिए, आपके प्रेम को सराबोर करने के लिए, आपके प्रेम में, हाँ, जो विवश कर दे, जो खींच कर लेकर के आए, जो संबंधों को पूरी तरह से बांध कर एक जगह खड़ा कर दे, जो अब कुछ खराब होगा ही नहीं, समय काल चक्र को रोकने की क्षमता जिसमें हो, मैं उस प्रकृति के वर्षक की बात कर रहा हूं। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ष आ। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्षा। वर्षा बोलते ना, बरसात बोलते। वर्ष यानी साल आ, समय आ। ऊपर से कोई चीज आ रही है डायरेक्ट, सीधा ऊपर। कौन रहता? हम जब भी कोई बात करते तो इशारा करते हैं ऊपर वाला। अब तो कुछ जाने, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, ऊपर वाला तुम्हें कुछ दे रहा है। जल सीधा देवता है, एक देवता से एक देवता मिलकर के सीधा आ रहा है तुम्हारे पास। आपको एक बात पता है, पूरे के पूरे विश्व में बरसात एक ऐसा मौसम है जिसको प्रेम का मौसम कहा जाता है। हाँ, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये मौसम है। इसमें बरसात जो है, जो श्रावण है, ये श्रृंगार का महीना है, ये प्रेम का महीना है। इस एक महीने में वो सब कुछ होता है, सारे के सारे प्रेम, रक्षाबंधन, भाई बहन का प्रेम इसी में है, कजरी तीज, पति पत्नी का प्रेम इसी में है, प्रेम पाने का, पति पाने का, विवाह पाने का, संबंध बनाने का सावन में महीना है। 16 सोमवार करो भाई, सावन के सोमवार करो, भगवान शिव को ये चढ़ाओ, सब कुछ इसी एक महीने में है। और देखो, ये तो फिर भी मैं पुराणों की बात कर रहा हूं, ये महीना श्रृंगार करने का है, ये महीना बहुत 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 चारों तरफ रंग रोगन करने का महीना है। पूरी की पूरी प्रकृति खिल उठती है, वादियां, पहाड़, हाँ, खेती लहरा उठती है, मानो किसी ने प्रेम से स्पर्श कर लिया हो सबको, एक साथ किसी ने छू लिया हो सबको, मानो हजारों सालों से कोई प्यासा बैठा है, मानो कुछ बूंद पानी के दे दिए गए, ऐसा लगता है। ये श्रृंगार का महीना है, ये प्रेम का महीना है, ये पृथ्वी और आसमान के मिलन का महीना है साहब। इससे बड़ा महीना नहीं है कोई प्रेम पाने के लिए। ये उपाय, ये साधन विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक है। हाँ, शिव महापुराण का पूरा रिसर्च आपके सामने आज रख रहा हूं इस माध्यम से। थोड़ा सा वर्षा का पानी आपके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सीधा उपाय को और लेकर के चलेंगे, उसके पहले वॉइस मैसेज ले लेते हैं। आपके बीच का अनुभव आपके ही साथ में साझा कर रहा हूं, वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, मैं आपके यहाँ से पूजा करवाई थी और वो मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी, आप हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। थैंक यू गुरु जी, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करें, आनंदित करें, सुव्यवस्थित करें, हर इच्छाओं की पूर्ति करें। जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम लेना चाहते हो, तुम्हें जरूर मिले। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है वैसे, कि जो भी तो कुछ तुम्हें मिला है, ये जो भी तो कुछ तुमने हासिल किया है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैंने तो सिर्फ इंडिकेशन किया था, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा। हुआ कैसे? हुआ तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे करने से, तुम्हारे प्रयत्न से। तुम ही तो सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, इसलिए तुम्हें बहुत धन्यवाद। सीधा उपाय की बात करते हैं। आपको चाहिए थोड़ा सा बरसात का पानी। बहुत सामान्य तरीका है, कुछ लोग थाली बाहर रख देते हैं, कुछ लोग ओपन भगोना इत्यादि, कोई भी ऐसा बर्तन जिसका मुंह बड़ा हो और बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए। जब भी बरसात हो, और हाँ, ऐसा तो शायद ही कोई जगह हो जहां बरसात नहीं होती, बहुत प्यारा उपाय है। जब भी आपको अवसर मिले, ये पानी लेकर के रख ले। प्रयोग करने के लिए आपको रविवार, मंगलवार, शनिवार चाहिए। इन दिनों में ये उपाय ज्यादा कारगर करता है। अब आपको करना ये है कि एक कागज में एक तरफ उनका नाम और दूसरी तरफ अपना नाम, बीच में स्वास्तिक और दोनों तरफ ओम लिखना है। उसके पश्चात नीचे मैं नंबर बता रहा हूं, वो लिखना है
सबसे पहले लेफ्ट से जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां लिखना है 37, फिर 42, फिर 57, फिर 98, ये नंबर लिख करके नीचे शुभम भूयात लिखना है। क्या लिखना है? शुभम भूयात। ऐसा करके इस पर्चे को पूरा बंद करके एक कांच की शीशी में खड़ी हल्दी की छोटी गांठ लेकर के उसके साथ इस कागज को बांध कर अंदर डाल दें और ऊपर से बरसात के पानी को रख करके टाइट करके रख लें और इसे अपने घर में तब तक रखा रहे जब तक आपकी मनशा पूरी न हो जाए। बात नहीं कर रहा हो, रिश्ता खराब हो रहा हो, संबंध बिगड़ रहा हो, पति पत्नी में अनबन हो रही हो, तलाक की नौबत आ गई हो, ससुराल में कोई कष्ट हो, किसी विशेष इच्छा की मनसा रखते हो, किसी भी व्यक्ति को हर हाल में अपना बनाना चाहते हो, कोई छोड़कर जा चुका है उसे फिर से वापस बुलाना चाहते हो, ये सारी की सारी मनशाएं आपकी निश्चित तौर पर पूरी होंगी। बस ये सीधी सीसी का ध्यान रखना, टूटने ना पाए, खराब नहीं होने पाए, कोई खोलने नहीं पाए, बस इतनी सी बात पर ध्यान देना है, बाकी सब कुछ अपने आप होगा। बीच बीच में इस सीसी को आप उठा उठा करके थोड़ा सा सेक करिएगा, हिलाइएगा, ताकि उस कागज का संसर्ग पानी के साथ बार बार और प्रबल हो और ज्यादा बढ़े। जितना ज्यादा उसका संसर्ग बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर बढ़ेगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ही उपाय करना, आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। महाराज सगर ने सबसे पहले इसको किया था, दूसरी बार महारानी पार्वती ने इस संसर्ग को अलग तरीके से किया, जो जो आपके लिए संभव नहीं है उसको सामान्य बना करके आपको बताया जा रहा है, जिससे आप लाभान्वित हो सके। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर हाल में आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना ध्यान रखना, अपने उनका भी जिन्हें तुम बहुत प्रेम करते हो। रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा सोचना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बंद कर दो। अगर तुम ये सब करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, निश्चिंत तौर पर रहिए, मेरा हर हाल में तुम पर पूरा स्नेह है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ध्यान है मुझे तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।